हेलो स्टूडेंट्स एडन गुरु की इस क्लास में मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं और बताइए आप लोग सभी अच्छे हैं यस yes, सर yes, आज मैं आप लोगों को विशेष रूप से मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता रहा है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव जब आज से दस हजार साल पहले जंगलों में रहता था तो ऐसे में वह शिकार आदि करके अपना जीवन यापन करता था परंतु जब मानव धीरे धीरे सिविलाइज हुआ और वह जंगलों से निकलकर मैदानी भागों में आया तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा और ऐसे में मानव विभिन्न प्रकार की अपनी आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करना प्रारंभ किया तो आज विशेष रूप से हम लोग चर्चा आर्थिक गतिविधियों पर करेंगे सबसे पहले मैं आप लोगों को आर्थिक गतिविधि क्या है इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा या इसकी परिभाषा बताना चाहूँगा यदि इस पर चर्चा करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधि वह गतिविधि होती है जिसके द्वारा मानव आय प्राप्त करता है और आय प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करता है यानी कि विभिन्न प्रकार की उपयोगी आवश्यकताएं या उपयोगी वस्तुएं उनको प्राप्त करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित सुचारित रूप से चलाता है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं आर्थिक गतिविधि क्या है चलिए भाई रोहित कुछ बता सकते हो क्या होती आर्थिक गतिविधि कितने प्रकार की होती है मानो कैसे कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कुछ बताओगे बेटा बताओ? सर चार प्रकार की होती है चलिए मान लेते हैं भाई रोहित को कुछ याद है लग रहा है कि आर्थिक गतिविधि चार प्रकार की होती है परंतु एक बड़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए बड़ी शांति की बात यह है कि आप लोगों के पाठ्यक्रम में तीन प्रकार की ही आर्थिक गतिविधि दी हुई है भविष्य बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि चलो अच्छा हुआ बच गए भाई चलो अच्छी बात है आप लोग अपने पाठ्यक्रम में देखेंगे पेपर फर्स्ट में जो लास्ट यूनिट है उस लास्ट यूनिट में एक टॉपिक दिया हुआ है और जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक याद रहेगा प्राथमिक यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर को प्रभावित करने वाले फैक्टर ठीक है तो इस तरह से इन फैक्टर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे विचार करेंगे क्योंकि एक तो समझने वाली बात जरूर है कि क्या दुनिया के सभी भागों में मानव समान रूप से क्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्या विश्व के सभी भागों में खेती होती है क्या विश्व के सभी भागों में उद्योग धंधे होते हैं? क्या विश्व के सभी भागों में समान रूप से सेवा क्षेत्र का विस्तार है यदि आप इन सब पर चर्चा करें विचार करें तो एक बात आपके सामने आएगी यानी कि एक ही जवाब मिलेगा नहीं विश्व के अलग अलग भागों में प्राथमिक गतिविधियां अलग अलग हैं विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की सेकेंडरी यानी कि द्वितीय गतिविधियां अलग अलग हैं और इसी प्रकार से विश्व के अलग अलग भागों में सेवा क्षेत्र भी अलग अलग है तो यदि सभी भागों में अलग अलग है तो यह विचार की बात है कि ऐसा क्यों यानी कि वाई वेयर वेयर देयर वहीं पर ऐसा क्यों है जैसे एक सिंपल से उदाहरण से आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि भारत के क्या सभी भागों में समान रूप से कृषि होती है तो नहीं आप देखोगे भारत के उत्तर भाग में विशेष रूप से गंगा के मैदानी भागों में कृषि होती है तो वहीं भारत के प्रायद्वीपी पठारी क्षेत्र में उद्योग धंधे अधिक पाए जाते हैं तो इसके पीछे कुछ कारण जरूर है और इसके पीछे मूल रूप से कुछ भौगोलिक परिस्थितियां उत्तरदायी हैं उन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों पर आज मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा और इसी के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ पाएंगे जैसे यदि आप इन कारकों पर प्रकाश डालेंगे इन कारकों को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका बहुत अधिक फायदा आपको अर्थव्यवस्था को समझने में विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने में और आपकी ये जो सिविल सेवा की परीक्षा है इसमें और जो दूसरे टॉपिक दिए हुए हैं उनको समझने में आसानी होगी तो इस तरह से भाई जरा देखते हैं कि कौन कौन से कारक कहाँ कहाँ हैं कैसे है। तो बच्चों जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भारत एवं विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ होती और ये गतिविधियाँ निश्चित रूप से कुछ भौगोलिक परिस्थितियों से कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर से प्रभावित होती हैं और उन्हीं फैक्टर को हम लोग आगे देखेंगे सबसे पहले तो मैं क्लासिफाई या वर्गीकृत इसी रूप में करना चाहूंगा आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कि आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है सबसे पहले प्राथमिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक तो भाई सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि प्राथमिक गतिविधि क्या है सबसे पहले तो आप समझ गए आर्थिक गतिविधि आर्थिक गतिविधि यानी वह गतिविधि जिसके द्वारा मानव आय प्राप्त करता है या जिसके द्वारा मानव अपने जीव को, को प्राप्त करके जीवन का निर्वाह करता है और फिर जब इसको आगे बढ़ते हैं तो इसको क्लासिफाई करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक गतिविधि नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों रोहित नाम से कुछ पकड़ में आ रही बात प्राथमिक गतिविधि वह गतिविधि होती है जिसमें मानव प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थों का सीधे सीधे उपयोग करके अपने जीवन का निर्वाह करता है देखो इसलिए वर्ड यूज हुआ प्राथमिक भाई सभी चीज़ें इस प्रकृति में किसने उपलब्ध कराई हैं प्रकृति ने मानव के लिए एवं अन्य जीव जंतुओं के लिए जिसमें मानव कुछ ना कुछ विशिष्ट है और वह अपनी विशिष्ट प्रकार की आर्थिक गतिविधि करता है तो उसी संदर्भ में यहां पर चर्चा हो रही है प्रकृति ने इस वातावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं और मानव उन्हीं का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता रहता है जैसे जरा सोचो आप लोग कि कौन कौन सी चीजें प्राथमिक हो सकती हैं या कौन कौन सी गतिविधि प्राथमिक गतिविधि हो सकती है तो यदि इस पर आप थोड़ा भी विचार करोगे तो बड़ी ही आसानी से बातें समझ में आएंगी जैसे कृषि करना कृषि में क्या होता है कि मानव अपने चारों ओर उपलब्ध भूमि में बीज गाड़ता है और जल आदि का प्रयोग करके उन्हें उगाता है सिंचित करता है और फिर उनसे प्राप्त बीजों पत्तियों जड़ों फल फूल आदि का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है तो आप कह सकते हो कृषि और उसके साथ साथ मत्स्य खनन पशुपालन ये सभी प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं आप जैसे देखोगे लोग पशु पालते हैं तो पशु भी तो प्रकृति ने बनाए है ना तो पशु दूध देता है और उस दूध का उपयोग करके आप अपना जीवन यापन करते पशु से आप मांस प्राप्त करते पशु से आप खाल प्राप्त करते पशु से आप बाल प्राप्त करते यानी कि ऊन मिलता है तो इस तरह से मानव अपना जीवन यापन करता रहता है या शिकार शिकार भी एक प्रमुख प्राथमिक गतिविधि है और प्रारंभिक मानव के लिए तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि रही है एक बड़ी खास बात आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि आज से दस हजार साल पहले मानव तो अपना जीवन विशेष रूप से शिकार से ही प्राप्त करता था या शिकार से ही प्राप्त पदार्थों को खाकर अपना जीवन यापन करता था विश्व के आज भी अनेक भागों में मानव शिकार द्वारा ही अपना जीवन यापन करता है तो इस तरह से आप कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में प्राथमिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं और यह प्राथमिक इस रूप में कही जा सकती है कि यह शुरू से ही मानव इससे जुड़ा रहा है और उसमें भी खास बात एक ये भी कह सकते हो कि विश्व के कुछ भागों में आज भी प्राथमिक गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण है विशेष रूप से एशिया एशिया के अधिकांश देशों में तो आज भी प्राथमिक गतिविधि मुख्य गतिविधि एशिया के साथ साथ अफ्रीका अफ्रीका के साथ साथ आप कह सकते हो साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका यहां पर आज भी मानव अपनी बड़ी मात्रा में जीव को जीविकोपार्जन प्राथमिक गतिविधियों के माध्यम से ही प्राप्त करता है चाहे वो कृषि हो चाहे वो खनन हो चाहे वो पशुपालन हो जैसे आप लोगों ने जरूर सुना होगा अर्जेंटीना में आज भी बड़े स्तर पर गाय पालन होता है पशुपालन होता है अर्जेंटीना है उरुग्वे है अनेक देश ऐसे इसी प्रकार से आप लोगों ने जरूर ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना होगा जो विशेष रूप से भेड़ पालन के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है तो वहीं पर आप देखोगे उत्तरी अमेरिका और यूरोप में द्वितीयक प्रकार की गतिविधियां अधिक प्रचलित है अब ये द्वितीयक प्रकार की क्या है इन पर चर्चा में अगली क्लास में करूंगा मैं इस समय विशेष रूप से आप लोगों को प्राथमिक गतिविधियों के संदर्भ में बहुत सारी बातों पर चर्चा करूंगा अब प्राथमिक गतिविधियां तो समझ में आ गई आप लोगों को अब जरा इस रूप में आप सोचो कि प्राथमिक गतिविधियों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं यदि प्रभावित करने वाले कारकों में आप बात करें तो दो तरह के समूह में आप बांट सकते हैं प्राकृतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक यानी कि प्राथमिक गतिविधियों को प्राकृतिक कारक सबसे अधिक प्रभावित करते हैं और उसके साथ साथ मानवीय कारक भी प्रभावित करते हैं और उसके साथ जब हम प्राकृतिक कारकों में जाते हैं तो प्राकृतिक कारकों में सबसे पहला कारक जो आता है वह है जलवायु आप एक खास बात देखेंगे कि विश्व के जिस भाग में जिस प्रकार की जलवायुविक परिस्थितियां होती हैं वहां पर कुछ उसी प्रकार की प्राथमिक गतिविधियां भी देखी जाती हैं जैसे यदि आप मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में जाएंगे तो एक बड़ी खास बात दिखाई देगी कि मानसूनी जलवायु में कृषि एक मुख्य गतिविधि वहां पर भी पशुपालन होता है परंतु एक बड़ी खास बात है व्यवसायिक स्तर पर या बहुत बृहद स्तर पर पशुपालन नहीं होता है। वहां पर पशुपालन कुछ सीमित अर्थों में होता है जहां पर लोग छोटे छोटे पशुओं के समूह को पालते आप लोगों ने देखा होगा अपने यहां पर भारत में देखो लोग एक दो पशु तीन पशु चार पशु हद से हद कि भाई अपने यहां तो दो गाय रखी है और इन दो गायों के माध्यम से हम तो अपना दूध उध इतना जो मिलता है वही खाते पीते हमें बेचने उचने का शौक नहीं आप लोगों ने देखा होगा बातचीत में कई बार लोग चर्चा करते हैं या भाई हमारे यहां दो भैंसें हैं ना दो गायें हैं या एक भैंस एक हमने गाय रख ली है और अपना बस उससे इतना दूध मिल जाता है कि हमारे लिए बहुत होता है परंतु वहीं पर आप जाओगे शीतो से कटिबंधी जलवायु के क्षेत्र में तो से कटिबंधी जलवायु के क्षेत्र में विशेष रूप से बृहद स्तर पर पशुपालन होता है जैसे आप कह सकते हो पंपास डाउन्स, कैंटरबरी ये जो क्षेत्र हैं यहां पर बड़े स्तर पर पशुपालन होता तो जलवायुविक परिस्थितियां सीधे सीधे प्रभावित करती तो वहीं पर आप खास बात देखोगे प्राथमिक गतिविधि में ही जहां भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है वहां पर बागानी खेती अधिक प्रबल होती है वहां पर बागानी खेती में विशेष रूप से खट्टे रसीले फलों का अधिक उत्पादन होता है जैसे अंगूर संतरा नींबू इस तरह के फलों का अधिक उत्पादन होता है तो वहां पर एक दूसरी अलग बात है भाई तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर जलवायु परिस्थितियां जैसी हैं वहां पर उसी प्रकार की प्राथमिक गतिविधि होती है हां इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दो जैसे सामान्य रूप से आप देखो उस कटिबंध में भी विशेष रूप से विश्वती जलवायु के जो क्षेत्र हैं विश्वत जलवायु जो विशेष रूप से जीरो से पांच डिग्री उत्तरी और दक्षिण छांसों के बीच पाई जाती है जहां पर साल के सभी दिनों में अधिक तापमान होता है और अधिक आर्द्रता होती है जिसकी वजह से यहां पर अत्यंत घने वन मिलते हैं यहां पर प्राथमिक गतिविधियों में जब आप देखोगे तो यहां पर विशेष रूप से शिकार खाद्य संग्रहण मत्स्यन इस टाइप की गतिविधि मिलेगी मतलब कि मान लो जैसे घना जंगल है जब भाई अधिक वर्षा होगी अधिक तापमान होगा तो घना जंगल होगा घने जंगल होंगे तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से विभिन्न प्रकार के फल फूल कंद मूल पत्तियाँ आदि प्राप्त होंगे। और ऐसे में मान लो रोहित कोचिंग से पढ़ के गया और कहा मम्मी मम्मी भूख लगी तो मम्मी ने कहा बेटा जाओ उस वाले पेड़ के नीचे कुछ फल वल गिरे हुए हैं उठा लाओ वही आराम से खा लो रोहित गया आराम से भाई कुछ फल वल वहाँ से उठाए चूंगे उनको और खा लिया और फिर कहा मम्मी थोड़ा पेट में कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही है तो मम्मी ने कहा बेटा जाओ वहाँ वाला जो पौधा है ना उसकी दो चार पत्तियाँ खा लो गया दो चार पत्ती तोड़ के लाया खाया और एकदम पेट फिट तो देख रहे हो आप लोग इससे क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर कह सकते हो आप लोग खाद्य संग्रहण की अर्थव्यवस्था है यानी कि यहाँ की, की अर्थव्यवस्था प्राथमिक है परंतु खाद्य संग्रहण की है जहाँ पर मानव प्रकृति में जाकर फल फूल कंद मूल जड़े आदि प्राप्त करता है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से आप लोग अमेजन बेसिन में कोंगो बेसिन में आप देख सकते हो आप लोगों ने जरूर पिग्मी ट्राइब सुना होगा पिग्मी जनजाति वे लोग विशेष रूप से अपना जीवन इसी प्रकार से चलाते हैं चलिए भाई तो जलवायु की उस बात समझ में आ रही कि नहीं जलवायु हमेशा ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण कारक होता है अब आप कहोगे कि सर मानसूनी जलवायु में फिर कैसे प्राथमिक गतिविधि कृषि होगी तो चलो भाई बता देता हूं मानसूनी जलवायु की विशेषता यह होती है कि साल का एक लंबा समय शुष्क होता है पढ़ाया था ना आप लोगों को और साल के कुछ दिनों में वर्षा अधिक होती है और साल के सभी भागों में लगभग तापमान ऊंचा ही बना रहता है तो ऐसे में यहां पर जब वर्षा होती है तो लोग खूब खेती करते हैं और बरसात के समय में ही या तो जल का संग्रहण कर लेते हैं जैसे तालाब पोखरों के माध्यम से तो ऐसे में फिर ये काल में ये जो संग्रहित जल है उसका प्रयोग करके यानी कि सिंचाई के द्वारा पुनः खेती करते हैं इसका मतलब ये है कि साल के सभी दिनों में या तो वर्षा के जल द्वारा आसानी से कृषि हो जाती है या फिर सिंचाई के माध्यम से कृषि हो जाती है तो आप खास बात देखोगे कि मॉनसूनी जलवायु में कृषि अर्थव्यवस्था बहुत आगे होती है और खासकर यदि मैदान जहां पर फैले हुए हैं जैसे गंगा का मैदानी भाग आप गंगा के क्षेत्र में देखोगे विशेष रूप से पंजाब से लेकर असम तक तो यहां पर कृषि एक मुख्य व्यवसाय है और यहीं पर सिर्फ बात भारत की नहीं आप कह सकते हो आप विशेष रूप से पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड आपका वियतनाम कंबोडिया लाओस, आप विशेष रूप से कह सकते हो चीन का दक्षिणी भाग यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से कृषि पाई जाती है और कृषि अर्थव्यवस्था बहुत ही विकसित स्थिति में देखी जाती है बड़े स्तर पर मतलब लोग कृषि कार्यों में लगे रहते अब जरा ये सोचो एक और करैक्टर आपको बता दूं एक और करैक्टर देखा जाता है प्राथमिक गतिविधि में और वो जलवायु से संबंधित है कि जहां पर इतना खाद्यान्न होगा तो ऐसे में पक्की बात है कि वहां पर बड़ी मात्रा में जनसंख्या भी होगी यानी कि जहां पर खाद्य सुरक्षा होगी वहीं पर बड़ी मात्रा में जनसंख्या का अधिवास भी पाया जाता है तो उन दोनों का संबंध है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा तो जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक देखा जाता फिर इसी में आप लोग कहेंगे कि सर ये भूमध्य सागरी जलवायु में कैसे ए, कुछ कहानी है बागानी फसलों की तो वहां की एक सबसे बड़ी विशेषता यह देखी जाती है कि वहां पर वर्षा शीतकाल में होती है आपके मानसूनी जलवायु में वर्षा ग्रीष्म काल में होती है पर भूमध्य सागरी जलवायु में वर्षा काल में होती है तो ऐसे में ग्रीष्मकाल सामान्यतः शुष्क रहता है वर्षा ग्रीष्मकाल जब पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो ऐसे में वर्षा वहाँ पर नहीं होती और वर्षा न हो पाने के कारण वहाँ के ज़्यादातर पेड़ पौधे छोटे रह जाते हैं पानी को संचित करने के लिए उसमें विशेष प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं जैसे उनकी छालें मोटी होती हैं उनकी पत्तियां मोटी होती हैं उनमें काटे पाए जाते हैं तो यही सारे गुण तो नींबू में भी देखे जाते हैं नींबू आप लोग कैसा देखते हो नींबू ज्यादा बड़ा पेड़ थोड़ी ना होता है या फिर अंगूर वगैरह यहां पर या तो छोटे छोटे पेड़ होंगे या फिर क्रीपर्स होंगे क्रीपर्स यानी कि लताओं वाले पौधे होंगे तो अंगूर तो लता है ना देखा होगा आप लोगों ने तो इस तरह से कह सकते हो कि इस वाले क्षेत्र में यानी कि भूमध सागरी जलवायु में विशेष रूप से इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। तो जलवायु जैसी जलवायु वैसी वहां की गतिविधि चलिए इसके साथ साथ जरा एक और कारक देखते हैं। जिन क्षेत्रों में प्राय देखा जाता है आग्नेय चट्टाने पाई जाती हैं वहां पर अर्थव्यवस्था विशेष रूप से खनन वाली होती है जहां पर प्राचीन चट्टाने होंगी और विशेष रूप से आग्नेय चट्टाने होंगी वहां पर धात्विक खनिज पाए जाने की विशेष संभावना तो वहां की अर्थव्यवस्था में एक खास बात आप देखोगे या तो खनन कार्य होगा वो प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है या फिर खनन के बाद जो उत्पाद बनाए जाएंगे यानी कि द्वितीयक प्रकार की गतिविधियां वहां पर होंगी जिन्हें उद्योग धंधों के रूप में हम लोग जानते हैं जैसे आप लोग भारत के संदर्भ में आप देखो तो विशेष रूप से प्रायद्वीपी पठारी क्षेत्र में उद्योग धंधों की उपस्थिति अधिक पाई जाती है। जैसे जरूर आप लोगों ने सुना होगा छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर का पठार जो प्रायद्वीपी पठार का ही एक भाग है और यह भी आप लोग जानते हैं कि प्रायदीपी पठार एक प्राचीनतम भूखंड है क्योंकि यह है। प्राचीन जो हमारा गोंडवाना लैंड है उससे जुड़ा हुआ था ऐसे में वहां पर पाई जाने वाली चट्टानों में विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज अधिक पाए जाते और धात्विक खनिज अधिक मिलने के कारण आप लोग सबसे खास बात देखोगे वहां पर भारी उद्योगों का विकास हो परंतु वहीं पर जहां औसादी चट्टाने मिलती हैं और अत्यंत नवीन औसादी चट्टाने हों वहां पर कृषि गतिविधियां अधिक प्रचलित होती हैं जैसे आपका गंगा का मैदान गंगा का मैदानी भाग आप लोग जानते ही हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र और एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए औसादों के निक्षेपण से बना हुआ है और यह अत्यंत नवीन भूखंड है ऐसे में देखो यह मैदान कृषि गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध प्राथमिक में भी देखो अंतर हो गया तो यदि प्राचीन चट्टाने हैं तो वहां पर खनन होगा और जहां पर नवीन चट्टाने और सादी किस्म की होंगी वहां पर कृषि कार्य होंगे तो विश्व में कहीं पर भी आप जाओगे एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको बड़ी खास बात दिखाई देगी कि नदियों के जो बने हुए मैदान हैं वे औसादी चट्टानों से बने हुए हैं और वहां पर कृषि कार्य खूब होता है जैसे आप लोग कह सकते हो वांगहो का मैदान मीकोंग का मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान सिंधु का मैदान मेसोपोटामिया मैदान या फिर आप कह सकते हो मिसिसिपी मैदान तो इस तरह से आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि चट्टानों का स्वरूप भी प्राथमिक गतिविधियों को निर्धारित करता है तो इसके साथ एक और आप खास बात देखेंगे विशेष रूप से मिट्टी या मृदा मिट्टी जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की होती है वनस्पति भी उसी प्रकार की होती है और मृदा की उर्वरता जितनी ज्यादा होती है कुछ वनस्पति यानी कि जो आर्थिक गतिविधि होती है उसी प्रकार की होती है जैसे सामान्यतः देखा जाता है कि जिन क्षेत्रों में विशेष रूप से दोमट मिट्टी या यूं कहें जलोढ़ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहां पर बृहद स्तर पर कृषि कार्य होते हैं जैसे विश्व के जितने भी मैदानी भाग हैं अभी मैंने बताया था ना तो वो चट्टाने नहीं हैं परंतु अब दूसरे एंगल से देखो तो वह चट्टाने जो हैं मृदा के कंटेक्स में आप जब देखोगे तो वे कहला कहला सकती हैं जलोढ़ तो ये जो जलोढ़ मृदा के क्षेत्र होते हैं यहाँ पर स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार बृहद स्तर पर खेती होती है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि कार्यों वाली होती है यहां पर विशेष रूप से खनन नहीं होता है क्योंकि ये नवीन चट्टाने हैं और नवीन चट्टानों में बिल्कुल भी धात्विक खनिज या अधात्विक खनिज बहुत कम मिलते नेग्लिजेबल तो एक बात समझ में आ रही है तो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होगी तो वहां पर कृषि कार्य विशेष रूप से फिर एक और खास बात जलोढ़ मिट्टी के साथ साथ काली मिट्टी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा काली मिट्टी भी इस रूप में एक महत्वपूर्ण मिट्टी देखी जाती है कि यह बहुत उपजाऊ होती है और उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पर भी बड़े स्तर पर खेती होती है जैसे आप लोगों ने यूक्रेन के स्टेपीज मैदान जरूर सुने होंगे यूक्रेन का जो क्षेत्र है उसमें पाई जाने वाली मिट्टी काली है और वहाँ पर स्थानीय जलवायु के अनुसार बड़े स्तर पर गेहूं की खेती होती है जैसा कि आप लोग जरूर जानते होंगे यूक्रेन को यूरोप की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है ठीक है तो ये बातें ध्यान रखना इसी तरह से एक और खास बात जहां पर जलवायु उष्ण और आर्द्र होती है और मृदा साथ में काली मिट्टी होती है तो वहां पर गन्ने की फसल की संभावना बढ़ जाती है जैसे क्यूबा फिलीपींस यहां पर मृदा काली पाई जाती है और उष्ण आद्र जलवायु का क्षेत्र है इसी वजह से यहाँ पर गन्ने की खेती खूब होती आप भारत में ही देखेंगे तो भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र दक्कन के पठार में पाया जाता है जहाँ की जलवायु उष्ण और साल के कुछ समय तक आद्र रहती है तो ऐसी जलवायु कपास की खेती के लिए बड़ी उपयुक्त होती है तो वहाँ पर कपास की खेती होती तो इस तरह से आप कह सकते हैं विश्व के अलग अलग भागों में जो कृषि कार्य हैं ये अलग अलग कंडीशन में होते हैं और उसमें मृदा भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक ठीक है बच्चों प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत जलवायु मिट्टी इन सबके साथ साथ एक और कारक भी महत्वपूर्ण होता है और वो है उच्चावच उच्चावच की परिस्थितियां भी सामान्यतः किसी भी प्रकार की प्राथमिक गतिविधियों को प्रभावित करती है जैसे जरा आप लोग सोचो मैदानी भाग है तो क्या होगा यदि मैदानी भाग है तो पूरी संभावना है कि वहां पर विशेष रूप से बृहद स्तर पर कृषि होगी परंतु यदि वही ऊंचे पहाड़ी भाग हैं जिसका ढाल हल्का है मंद सा है तो वहां पर यदि कृषि होगी तो विशेष रूप से सीढ़ीदार खेत होंगे या फिर वहां पर सर्वाधिक उपयुक्त जो संभावना बनती है वो बनती है बागानी कृषि की इसीलिए आप लोग एक खास बात देखोगे पहाड़ी ढालों पर विशेष रूप से बागानी खेती अधिक पसंद की जाती है आप लोग अपने यहाँ ही देखो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इन सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से बागानी खेती अधिक होती है और उसमें भी यदि ढाल थोड़ा तीव्र हो पहाड़ियां ऊंची हो ज्यादा तीव्र नहीं भाई हल्का सा तो ऐसे में वहां पर विशेष रूप से फलों वाली बागानी कृषि अधिक उपयुक्त मानी जाती है तो वहीं जहां पर जलवायु उष्ण और आर्द्र हो और साथ ही साथ मंद ढाल हो तो ऐसे में आप लोग विशेष रूप से देखोगे कि वहां पर बागानी कृषि चाय या कॉफी होगी जैसे अपने ही देख लो आप लोग अपने असम के क्षेत्र में आप लोग विशेष रूप से देखोगे या विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भागों में जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है वहां पर चाय की कृषि बड़े स्तर पर की जाती है और इसी के साथ साथ आप पश्चिमी घाट के दक्षिणी भागों में विशेष रूप से कर्नाटक केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में देखोगे तो कई जगहों पर चाय कॉफी और मसालों की खेती की जाती है तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना कि उच्चावच भी प्रभावित करते इसी के साथ साथ आप जरा सोचो ब्राजील के बारे में ब्राजील की यदि बात हो और कॉफी की बात ना हो तो भाई सब कुछ अधूरा है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्राजील विश्व का लगभग सत्तर प्रतिशत से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है तो जरा सोचो उसकी कॉफी की खेती कहां होती है तो वहां पर जब आप नजर डालोगे तो एक बड़ा स्पष्ट फीचर आप लोगों आप लोगों को दिखाई देगा कि ब्राजील की अधिकांश कॉफी ब्राजीलियन हाईलैंड पर होती है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाय और कॉफी के लिए विशेष रूप से उष्ण और आद्र जलवायु तो चाहिए ही परंतु उसके साथ साथ विशेष रूप से ढाल की भी जरूरत होती है यानी कि जैसे मान लो ये क्षेत्र है और ऐसे यहाँ पर ढाल हो जहां पर वर्षा का पानी तेजी से नीचे फिसल जाए यहाँ पर पानी लगना नहीं चाहिए भाई यदि जड़ों में पानी लग गया तो फिर जड़ सड़ जाएगी और ऐसे में फिर पौधा मर जाएगा तो सामान्यतः चाय और कॉफी के लिए सामान्य ढाल भी होना चाहिए और उष्ण आद्र जलवायु भी होनी चाहिए तो आप ब्राजील में विशेष रूप से इस स्थिति को देखोगे कि वहां पर कॉफी का उत्पादन होता है उसी के साथ साथ आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा कोलंबिया का कोलंबिया में भी विशेष रूप से कॉफी की खेती होती है और उसके लिए ढाल जो उसके एंडीज का ढाल है उस भाग में बड़े स्तर पर कॉफी होती है ठीक है इसी तरह से जब आप जाओगे रॉकीज के क्षेत्र में यूएस और कनाडा के क्षेत्र में तो वहां रॉकीज के ढालों पर बड़े स्तर पर बागानी खेती की जाती है आप लोगों ने सुना होगा वॉशिंगटन से देखा भी हो शायद खाया भी होगा आप लोगों ने विशेष लाल लाल तरह का होता है बड़ा खूबसूरत सुंदर सा दिखाई देता है तो इस तरह से आप कह सकते हो विश्व के अलग अलग भागों में उचावच की परिस्थितियां भी कृषि के प्रकार को प्रभावित करते हैं यानी कृषि अलग अलग क्षेत्रों मैदानी भागों में ज्यादातर खाद्यान्न कृषि होती है तो वहीं पर पहाड़ी ढालों पर भागों पर विशेष रूप से बागानी कृषि की जाती है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए भाई ये सब तो हुए प्राकृतिक कारक अब जरा एक दूसरे कारक देखते हैं मानवी कारक मानवी कारक वे कारक होते हैं जो मानव द्वारा प्रकृति में विशेष रूप से प्रयास से वहां पर कुछ चीजें की जाती एक बात ध्यान रखना आप लोग जितना महत्वपूर्ण कारक प्राकृतिक कारक है उतना ही महत्वपूर्ण कारक मानवी कारक भी होता है क्योंकि प्रकृति में मानव अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके अपने बल का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार का संशोधन करता रहता है और उसी के माध्यम से वह अधिक से अधिक उत्पादन या अधिक से अधिक या अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को संपन्न करता है क्लियर चलिए भाई जैसे यहां पर आप लोग विशेष रूप से कह सकते हो मानवीय कारकों में यदि इसको हम डिवाइड करें तो फिर से हम इसे कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक संस्थागत कारक वंदना आप बताएंगे क्या होता है संस्थागत कारक कुछ दिमाग में आइडिया बन रहा हो नहीं पता सर कोई बात नहीं बेटा बताता हूं मैं संस्थागत कारक वे कारक होते हैं जिनकी उपस्थिति प्राचीन काल से संस्था के रूप में है पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वह चीज ट्रांसफर होती रहती है जैसे जरा सोचो आप लोग आप खेती कहीं पर करते हो तो क्या जहां पर आपका मन आता है वहीं पर खेती कर लेते हो क्या बिल्कुल नहीं आप कृषि कार्य करने वहीं जाते हो जहां पर आपका खेत है या नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि रोहित का मन करे तो भाई मैं इधर जाऊं मैं उधर जाऊं मेरा जहां मन करे वहां पर मैं खेती करूं नो? लिमिटेशंस है कि ये आपका खेत है एक्स जो खेत है यहीं पर आप खेती करेंगे इससे बाहर नहीं जा सकते आप यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी भूमि होती है उस भूमि का एक अपना मालिकाना हक होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है जैसा कि आप लोग शायद जानते हो कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत में भूमि का मालिकाना हक राजा को होता था यानी कि राजा भूमि का असली मालिक होता था इसीलिए आप लोग राजा का प्रायवाची भी देखेंगे भूपति भूपति यानी कि भूमि का मालिक परंतु राजा तो खेती कर नहीं सकता था भाई तो राजा भूमि पर कृषि अपने प्रजा के माध्यम से करवाता था और प्रजा कैसे करेगी भाई तो उसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा नियम था कि भूमि उसकी जो उसकी घास पात को साफ करे और भूमि उसकी जो घास पात को साफ करके उस पर खेती करे तो दो स्टेज हो गए पहला तो भाई भूमि में यदि कहीं पे पेड़ पौधे उगे हुए हों तो आप साफ कर लिए तो साफ कर लिए तो आपकी भूमि हो गई फिर तो आप हो सकता वहां घर बना लो रहने लगो या फिर एक दूसरा कि भाई आप वो साफ करके वहां पर खेती बाड़ी करने लगे तो भूमि उसी की आपने जब तक उस पर काम किया भूमि आपकी है आपने 10-20 साल छोड़ दिया आप उस पर खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं उसकी घास पात साफ नहीं कर रहे हैं तो कोई हो सकता है 10-20 साल बाद कोई और आए वो साफ कर ले और वो सारी चीजों को देख ले तो भूमि उसकी हो जाएगी एक सिंपल सा नियम था और उसी अनुसार राजा फिर जो उस पर काम ये करता था तो उत्पाद का एक निश्चित भाग राजा टैक्स के रूप में लेता था परंतु आप लोग देखोगे भारत में जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने भू व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया आप लोग पढ़ोगे भी इतिहास में या अन्य कई जगहों पर कि भू व्यवस्था में परिवर्तन विशेष रूप से यह हुआ वहीं पर फिर आई जमींदारी रैयतवाड़ी महालवाड़ी सुना होगा जरूर आप लोगों ने जिसमें जमींदारी प्रथा में विशेष रूप से जमींदार को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया और उसके और बाकी और जो लोग थे वे सिर्फ और सिर्फ उस भूमि पर कार्य करने वाले एक मजदूर टाइप में रह गए तो वहीं रैयतवाड़ी में विशेष रूप से सभी लोगों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया और सरकार ने जोड़ दिया कि भाई आप इस पर खेती करिए और हमें टैक्स दीजिए तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोग पढ़ोगे देखोगे यहां पर भूगोल में इन सब चीजों का बहुत विशेष में प्रकाश इस पर नहीं डालना चाहूंगा परंतु मैं यहां पर एक विशेष रूप से बात उल्लेखित करना चाहूंगा कि भूमि का मालिकाना हक कृषि की उत्पादकता को विशेष रूप से प्रभावित करती है यानी कि आप यह कह सकते हो कि जिस व्यक्ति के पास भूमि का मालिकाना हक होता है वह पूरे तन मन धन से कृषि कार्य करता है यह बात ध्यान रखना एक बड़ी खास बात है इसी पर एक विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के मालिकाना हक के साथ बेकार से बेकार भूमि 20 साल के लिए दे दो तो वह अगले 20 सालों में उस बेकार से बेकार भूमि को अत्यधिक उपजाऊ बना देता है तो वहीं इसके विपरीत अच्छी से अच्छी भूमि को किसी व्यक्ति को बिना किसी मालिकाना हक के साथ दे दो तो उस भूमि को बेकार कर देता है ये बात आप लोग देखते होंगे ये बात आप इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बेकार भूमि मालिकाना हक के साथ दे दो तो वह व्यक्ति उस भूमि में निवेश करता है उसका समतलीकरण करता है उसमें खाद डालता है उसमें मेड़बंदी करता है अन्य विभिन्न प्रकार का निवेश करके उस भूमि को उपजाऊ बनाता है तो इस तरह से भूमि की उत्पादकता बढ़ जाती है परंतु यदि किसी मालिकाना हक के बिना किसी को भूमि किसी कार्य के लिए दे दो तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि इस भूमि से अधिक से अधिक लाभ कमाना क्योंकि उसे पता है कि 10-20 साल बाद तो मेरे पास रहेगी नहीं तो भैया जितना संभव है इससे अधिक से अधिक लाभ कमा लो उसके बाद तो बेकार मेरे पास तो रहेगा नहीं तो इसमें ऐसे में निवेश नहीं हो पाएगा और निवेश के अभाव में वो भूमि बेकार हो जाएगी तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखना और यह देखा जाता है कि विश्व के अलग अलग भागों में भूमि का मालिकाना हक अलग अलग तरह का होता है भारत में आप लोग देखोगे कि एक पिता के सभी बच्चे भूमि के बराबर मालिक होते हैं है ऐसा सामान्य रूप से माना जाता है स्वतंत्रता के बाद किसानों को जमींदारी प्रथा के अनुमूलन के बाद जो भूमि प्राप्त हुई थी वो दी गई और इसका प्रभाव यह रहा कि भारत में मालिकाना हक मिलने की वजह से लोगों ने अपने यहाँ भूमि में अधिक से अधिक कार्य किया और आपने देखा भी कि इससे उत्पादकता बढ़ी परंतु एक बड़ी खास बात है कि भारत के कुछ राज्यों में भूमि का मालिकाना हक सही ढंग से वितरित नहीं हो पाया खासकर जमींदारी प्रथा के क्षेत्र जैसे बिहार झारखंड उड़ीसा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में छत्तीसगढ़ में झारखंड में इन क्षेत्रों में भूमि का मालिकाना हक समुचित रूप से वितरित नहीं हो पाया और परिणाम ये हुआ कि किसी व्यक्ति के पास भूमि बहुत अधिक रही और कोई व्यक्ति भूमिहीन रहा और इसका दुष्प्रभाव फिर यह रहा कि जो व्यक्ति भूमिहीन है वो भूपति के यहां पर सेवक के रूप में या फिर भूमिहीन कृषक के रूप में बटाईदार कृषक के रूप में कार्य करता रहा जिसकी वजह से वहां पर उत्पादकता में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो पाई बाद के समय में आप देखोगे इन्हीं क्षेत्रों में एक बड़ी ही जटिल समस्या उभर कर सामने आई और वह थी नक्सलवाद कि बाद के समय में भूमिहीन लोग संगठित होकर भूमि के मालिकाना हक को प्राप्त करने के लिए आंदोलनरत हो गए और वही क्षेत्र आज भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते तो इस तरह से आप कह सकते हो कि भारत में यहां तो जमींदारी पर था में यह समस्याएं आ गई इससे एक और खास बात समस्या के रूप में उभरी और वह थी ग्रामीण संघर्ष बढ़ा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ गया और अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगी इसको थोड़ा सा और दूसरे विश्व के क्षेत्र में देखो विश्व के अनेक भागों में जब आप जाओगे तो वहां पर भी भूमि का मालिकाना हक बड़े स्पष्ट रूप से देखा जाता है और वहां पर सामान्यतः देखा जाता है कि जो व्यक्ति शहर के क्षेत्र में अधिवासित हो गया है सामान्यतः वह परंपरागत रूप से भूमि का मालिक नहीं होता यूरोप के अनेक देशों में देखा जाता है जैसे मान लो रोहित दो भाई हैं और रोहित का छोटा भाई गांव में रह रहा है पिताजी के साथ और रोहित फिर भाई बाद में सेटल्ड हो गया न्यूयॉर्क में और वो फिर अब गांव से मतलब नहीं तो ऐसे में रोहित का उस परंपरागत भूमि पर मालिकाना हक स्वतः समाप्त हो जाएगा मालिकाना हक उस भाई का रहेगा जो उस गांव में रहते हुए खेती कर रहा है भारत में देखोगे नहीं है भारत में यदि किसी पिता के दो लड़के हैं तो परंपरागत रूप से भूमि जब बटेगी तो दोनों भाइयों में समान रूप से बटेगी अब तो आप लोग जानते भी होंगे कि बहनों को भी अधिकार दे दिया गया है इसमें भाई चाहे कहीं पर भी चले जाएं, यदि वो अपनी परंपरागत या पैतृक भूमि में मालिकाना हक चाहते हैं तो वे आराम से ले सकते हैं उसमें कोई नहीं रोक सकता तो भारत में तो भाई एक अलग बात है तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्था है और इसमें कोई शक नहीं भूमि का मालिकाना हक कृषि में एक विशेष भूमिका निभाती है मालिकाना हक के साथ साथ संस्थागत कारकों के अंतर्गत एक और भी कारक पढ़ा जाता है और वो है चकबंदी या लैंड कंसोलिडेशन चकबंदी का मतलब सामान्यतः यह होता है वर्ड को समझो चकबंदी चक मतलब लैंड जो हमारा खेत है बंदी मतलब बांध देना एक जगह पर बांध देना जैसे मान लो संचित बीस बीघे के मालिक और संचित का बीस बीघा जो खेत ना गांव के इस वाले भाग में उस वाले भाग में यहां वहां बिखरा हुआ तो ऐसे में फिर क्या होगा भाई संचित सभी जगहों पर पूरी तरह से न तो निवेश कर पाएंगे कि भाई मान लो पाँच बीघा यहाँ पर है दो बीघा यहाँ पर है तीन बीघा यहाँ पर दो बीघा वहाँ पर तो हर जगह तो ट्यूबवेल लगवाएंगे नहीं प्रॉब्लम होगी ना ऐसे में ये हो कि संचित की भूमि एक ही जगह पर बीस बीघा दे दी जाए और रोहित की भूमि भी मान लो दस बीघे है उन्हें एक जगह दे दी जाए और मान लो वंदना की भूमि एक जगह पर उन्हें भी दे दी जाए उसका लाभ यह होगा कि ये लोग जहां जहां अपनी भूमि पाएंगे वहां पर उचित निवेश कर पाएंगे और उस निवेश करने का लाभ यह होगा कि उत्पादकता बढ़ेगी जैसे मान लो संचित को अपना बीस बीघा एक जगह मिल गया वहां पर उसने अपना ट्यूबवेल लगवा दिया ट्यूबवेल लगवा के उसने नाली बनवा दी और सिंचाई की पूरी खेत में व्यवस्था करा दी या फिर उसने ऐसा किया कि भाई बीस बीघे में एक जगह पर एक बीघे का बड़ा पौंड खुदवा दिया तालाब और तालाब में उसने व्यवस्था कर दी कि भाई जो भी बारिश का पानी होगा वो पानी बहते बहते आके इसमें जमा हो जाए जिसका लाभ ये होगा कि जब शुष्क मौसम होगा तो सिंचाई आसानी से हो पाएगी ये भी हो सकता है कि वो जो तालाब है उसमें मत्स्यन भी शुरू कर दे वो सिंचाई तो कर ही रहा है कुछ मछलियां उछलियां भी उसमें डाल दे उससे भी एक, एक, एक एक्स्ट्रा आय हो रही है तो भाई इससे फायदा है ना है नहीं तो एक जगह होने से यानी कि संचित ने वहां पर सिंचाई की व्यवस्था कराई मान लो उसके एरिया में बगल से कहीं से नहर जा रही है तो छोटी सी उसने नाली टाइप में बनवा के अपने खेत तक पानी की व्यवस्था करवा दी और ये भी हो सकता है कि वहीं पर संचित एक सेल्टर वहां पर घर वर बना दे फार्म हाउस टाइप का कि आराम से वहीं पर रह रहा है और मैडम अपना घर से खाना उना बना के ला रही है मस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं तो यानी कि खेत की प्रॉपर देखभाल भी कर पा रहा है भाई फिर यदि यह भी हो सकता है कि संचित के यहां जंगली पशु खेत में ज्यादा घुस आते हो जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि गांव देहात में सांड, भैंसा ये सब भी आकर खेत को चढ़ डालते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कभी तो ऐसे में संचित ने किया कि भाई पूरे खेत के चारों फेंसिंग करा दिया यानी कि तार खिंचवा दिए अब कोई भैंसा नील गाय या सांड नहीं आएंगे और जिसकी वजह से खेत को चर नहीं पाएंगे तो उत्पादकता अच्छी होगी भाई तो इस तरह से कह सकते हो कि एक जगह भूमि संचित होने से एक जगह इकट्ठी होने से या एक जगह इकट्ठी मिलने से उत्पादकता में भारी वृद्धि होती है ठीक है तो स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से 1960 के दशक के बाद विशेष रूप से पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में चकबंदी कार्यक्रम बहुत तेजी से लागू किया गया इसी के साथ साथ आप देखोगे 1970 80 के दशक में उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में चकबंदी कार्यक्रम बड़े ही प्रभावी ढंग से लागू किया गया परंतु एक खास बात देखी गई कि भारत के सभी राज्यों में चकबंदी कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया चकबंदी कार्यक्रम सामान्यतः उन्हीं राज्यों में सफल हो पाया जहां पर भूमि का मालिकाना हक पहले से ढंग से बटा हुआ था तो लोग लोगों को पता है कि मेरी भूमि यह है मेरी भूमि यह है और एक खास बात और है कि जहां भौतिक परिस्थितियां भी समान थी भौतिक परिस्थितियों से मतलब यह कि मिट्टी की उर्वरता आदि समान थी तो यदि मिट्टी की उर्वरता एक सी है सभी जगहों पर तो किसी को भी खेत कहीं पर भी दे दो क्या प्रॉब्लम जरा सोचो यदि एक ही गांव में ऐसा हो कि गांव के पश्चिम साइड की भूमि कम उर्वर हो और उत्तर साइड की ज़्यादा उर्वर हो और संचित का खेत उत्तर में भी हो और पश्चिम में भी हो तो संचित क्यों भाई अपना खेत छोड़ना चाहेगा या कोई दूसरा क्यों खेत बेकार एरिया में लेना चाहेगा तो भारत के उन उन क्षेत्रों में जहाँ पर भौतिक परिस्थितियाँ समान नहीं थी वहाँ पर तो यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया जैसे विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड उड़ीसा पश्चिमी बंगाल इन सब क्षेत्रों में चकबंदी कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया तो इस तरह से चकबंदी कार्यक्रम भारत के संदर्भ में भी बात करो तो ये है विश्व के संदर्भ में बात करोगे तो विश्व में ज्यादातर भागों में तो वहां तो भाई सख्त नियम कानून होते हैं और भूमि का मालिकाना हक बहुत ही ढंग से वितरित होता है तो जातर भागों में चकबंदी कार्यक्रम बहुत ही सुव्यवस्थित विशेष रूप से अमेरिका वगैरह बात करोगे उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका में तो वहां पर इतना सुव्यवस्थित है कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे वहां तो सैकड़ों सैकड़ों बीघे के बीघे क्या हेक्टेयर एकड़ के फार्म हाउस होते हैं या सैकड़ों एकड़ की बात कौन करे वहां तो किलोमीटर में खेत होते हैं जैसे मान लो रोहित अमेरिका में है तो वहाँ पर भाई कितना बड़ा खेत है तो रोहित का जो खेत है ना दस किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में यानी कि सोचो हो सकता है दो किलोमीटर लंबा हो और पाँच किलोमीटर चौड़ा हो तो जब इतना लंबा चौड़ा खेत होगा तो सिंपली यू कैन इमेजिन उसमें एकड़ और बिघे की क्या विसात भाई तो इस तरह से कह सकते हो हक भी एक महत्वपूर्ण कारक है और चकबंदी महत्वपूर्ण कारक है ये संस्थागत कारकों के अंतर्गत आते हैं तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने देखा विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के कारक जैसे प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक में मैंने विशेष रूप से संस्थागत कारकों पर चर्चा की अब क्लास को यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगा इसको थोड़ा सा आप लोग जाकर फिर से पढ़िए विचार करिए मनन करिए चिंतन करिए और इस पर कुछ कार्य करिए कार्य इस अर्थों में कि थोड़ा लेखन कार्य जरूर करो भाई मैं पहले भी आप लोगों को बार बार कहता रहा हूं कि यूपीएससी में या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मुख्य परीक्षा को निकालने का एक ही मंत्र है लेखन लेखन और लेखन जितना संभव हो आप अधिक से अधिक लेखन कार्य करिए तो आप लोग कहेंगे अरे सर हम लोग लिखें क्या तो चिंता वाली बात नहीं मैं बताता हूं कुछ प्रश्नों पर कार्य कीजिए जैसे एक प्रश्न नोट करिए इसी पर थोड़ा सा आप लिख के लाइए भाई दिखाइए कि किस तरह से भौगोलिक कारक या भौतिक कारक प्राथमिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं या प्राथमिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारकों की चर्चा कीजिए है ना? इस तरह के एक प्रश्न पर थोड़ा सा लगभग 200 शब्दों में आजमाइश कीजिए जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही सब समझाया हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है इस पर परिभाषित इसको परिभाषित कीजिए और इसके बाद बताइए कि जो प्राथमिक क्षेत्र है यह मुख्य रूप से सबसे अधिक भौतिक कारकों से प्रभावित होता है और इसको प्रभावित करने वाले निम्नलिखित भौतिक कारक महत्वपूर्ण है तो हैं जैसे जलवायु उच्चावच मृदा है ना इन सभी पर थोड़ा थोड़ा सा आप लिख के आप आगे बढ़िए और लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए किस तरह से हम देखते हैं कि भौतिक कारक कृषि या प्राथमिक क्षेत्र के विकास में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाते हाँ इसी में मैंने बताया था चट्टानों चट्टान को भी थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए तो ये सारी बातें हुई तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और आप लोगों को धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं ओके बाय थैंक यू बच्चों आज के लेक्चर के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं नंबर एक जिन आर्थिक क्रियाओं से आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं नंबर एक प्राथमिक नंबर दो द्वितीयक और नंबर तीन तृतीयक। पॉइंट नंबर टू जिन क्रियाओं में मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का सीधा सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है प्राथमिक गतिविधि कहलाता है पॉइंट नंबर तीन कृषि मत्स्यन शिकार पशुपालन खनन लकड़ी काटना आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं नंबर चार प्राकृतिक तथा मानवीय गतिविधियां प्राथमिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं जैसे उच्चावच जलवायु संस्थागत कारक आदि पॉइंट नंबर पांच यूक्रेन की काली मिट्टी का क्षेत्र अत्यधिक उत्पादकता के कारण यूरोप की रोटी की टोकरी भी कहलाता है बच्चों अगले वीडियो में जाने से पहले निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें